वेलकम टू द चैनल गाइस। इस वाले वीडियो में हम लोग पल्सर के जितने न्यू मॉडल्स निकले हैं जैसे F250, N250, N160 या P150, इन सभी के स्पीडोमीटर या मीटर कंसोल के बारे बात करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जो पुराने पल्सर बाइक में भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड वेल ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है स्पीडोमीटर या मीटर कंसोल डैश, जहां राइडर्स को बेसिक से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बाइक के बारे में। ब्रो, अगर ये समझ गए ना तो समझो आप बाइक के प्रॉब्लम्स और बाइक को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है वो समझ जाओगे। मैं मीटर कंसोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। पहला जो इंडिकेटर लाइट्स प्लस टैकोमीटर डायल है, दूसरा जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये डायल, जिसे टैकोमीटर डायल कहा जाता है। यह इंजन की स्पीड बताता है RPM में। जैसे आप थ्रॉटल को घुमाते हो तो टैकोमीटर का काटा ऊपर चढ़ते रहता है। 2x1000 मतलब 2000 बार राउंड हो रहा है, 3000 बार, 4000 बार, तो इसे लिमिट में ही चलाओ, इंजन के लिए अच्छा होगा। मैलफंक्शन इंडिकेटर लाइट, ये लाइट बताती है कि आपके इंजन पर FI सिस्टम रिलेटेड जगहों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या बोल सकते हो इंजन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। प्रॉब्लम होगा तो ये ग्लो करेगा। लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, ये लाइट बताती है कि इंजन ऑयल को चेंज करना होगा या फिर टॉप अप डलवाने की जरूरत है, तब ये ग्लो करता है। और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर इंजन ऑयल रिलेटेड ही रहता है। ये लाइट पल्सर P150 पर नहीं रहता है, जैसे कि आप देख सक रहे हो। लो बैटरी इंडिकेटर, ये लाइट बताती है कि बाइक की बैटरी को अब चार्ज करने की जरूरत है, तो जब ये जले तो बैटरी चेकअप जरूर करवाए। साइड स्टैंड इंडिकेटर, जब बाइक का साइड स्टैंड नीचे रहता है तब ये ग्लो करता है। हाई बीम इंडिकेटर, ये ग्लो तब करता है जब हाई बीम स्विच ऑन रहे या फिर पास स्विच को प्रेस किया जाता है, तब ये ग्लो करता है। अब इसमें से एक चीज और ऐड होगा जो सिर्फ पल्सर 250 मॉडल्स में होता है, वो है हाई इंजन ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसका पोजीशन हाई बीम इंडिकेटर के राइट साइड पर रहता है। जब इंजन ऑयल का टेम्परेचर या इंजन का टेम्परेचर हाई हो जाता है 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब ये ग्लो करता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर, जब टर्न सिग्नल स्विच को लेफ्ट या राइट में पुश किया जाता है तब ये उसी डायरेक्शन में ग्लो करता है। इंजन रेव इंडिकेटर या RPM लिमिट, जब थ्रॉटल घुमाया जाता है और काटा जब 9000 RPM को क्रॉस करके रेड लाइंस पर जाता है तब ये ग्लो हो जाता है और आपको बताता है कि आपकी गाड़ी सेफ इंजन लिमिटेशन को पार कर चुकी है, कृपया आप 9000 RPM के अंदर चलाए, नहीं तो इंजन ओवरहीट या इंजन में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ABS इंडिकेटर, ये इंडिकेटर बताती है कि गाड़ी की ABS काम कर रही है या नहीं। अगर गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के ऊपर हो और ये फिर भी ग्लो करे तो आप समझ लेना कि ABS में कोई प्रॉब्लम है। न्यूट्रल इंडिकेटर, जब गाड़ी कोई गियर में ना हो तब ये ग्लो करता है। हाई टेम्परेचर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, मैलफंक्शन इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, ये 5 इंडिकेटर इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद जलते हैं। जब गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट किया जाता है तब ये ग्लो करना बंद हो जाते हैं। अगर गाड़ी चलने के टाइम इनमें से कोई इंडिकेटर ग्लो करे तो देरी ना करते हुए गाड़ी को नज़दीकी पल्सर के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में ले जाए। सो गाइज, अभी तक हम लोग आधा स्पीडोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी आती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन की, चलो तो उसको भी देखते हैं। गियर इंडिकेशन, 1 to 5 जितने गियर्स हैं गाड़ी चलने के टाइम इधर शो करेगा, और जब गाड़ी न्यूट्रल में रहेगा तो 0 दिखाएगा। स्पीडोमीटर, इधर आपकी गाड़ी की स्पीड दिखाती है किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि कितने स्पीड से आप गाड़ी को चला रहे हो वो शो करता है। ज़्यादा ही स्पीड होगा तो एक्सीडेंट हो या पुलिस,
दोनों आपके लाइफ के हिस्सा बनेंगे। ओडोमीटर, लाइफ टाइम गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल चुकी है या कितना चला चुके हो, ये ओडोमीटर बताता है। और ये दोबारा जीरो पे रिसेट नहीं होता, इसकी रीडिंग बढ़ते ही रहती है। डिजिटल क्लॉक, टाइम देखने के लिए ये दिया गया है। अगर आपका टाइम मैच नहीं कर रहा है तो स्पीडोमीटर के नीचे जो एमएस वाले दो बटन दिए गए हैं, एम फॉर मोड, एस फॉर सेट, ये दोनों बटन से आप ठीक कर सकते हो। कैसे करते हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा, देखते रहो। फ्यूल लेवल इंडिकेटर, गाड़ी में कितना पेट्रोल है इसका काम यही दिखाना है। फ्यूल लेवल डिजिटल LCD बार के तरह दिखता है। F का मतलब फुल और E का मतलब एम्प्टी। और ये ब्लिंक तब करेगा जब गाड़ी में फ्यूल लास्ट 2 डिजिट बार्स के नीचे हो, तब समझ लेना आपको पेट्रोल भरवाने की जरूरत है। ट्रिप मीटर, इसका यूज आप हमेशा कर सकते हो। सोचो आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल किए, बट आपको वो पूरा ट्रेवल डिस्टेंस जानना है कि आप कितने किलोमीटर कवर किए हो, तब ये ट्रिप मीटर काम आता है। ऑडोमीटर को तो आप रिसेट नहीं कर सकते, बट ट्रिप मीटर को रिसेट टू जीरो कर सकते हो। कैसे करते हैं ये वीडियो में आगे देखेंगे। इधर आपको 2 ट्रिप्स मीटर दिया जाता है, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। ट्रिप 1 को अलग ट्रेवल के लिए यूज कर सकते हो और ट्रिप 2 को किसी और दूसरे ट्रेवल के लिए। AFE मतलब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, 1 लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज गाड़ी दे रही है वो बताता है ये AFE। एवरी 60 सेकेंड्स में अपडेट होते रहता है। अगर आपको जानना है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है पर लीटर में, तो आप AFE देख सकते हो। जैसे ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 है, वैसे ही AFE 1 एंड AFE 2 है। AFE 1 ट्रिप 1 से जुड़ा है और AFE 2 ट्रिप 2 से जुड़ा है। IFE इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये मेरा फेवरेट है। अपने गाड़ी को कौन से गियर पर कितने RPM पर चलाना है जिससे आपका माइलेज अच्छा मिले, ये जानना है तो IFE यूज कर सकते हो। DTE डिस्टेंस टू MT, गाड़ी पे जितना पेट्रोल होगा और वो पेट्रोल कितना किलोमीटर तक चल सकती है ये आपको बताता है। DTE कैलकुलेशन करता है ट्रिप और AFE के डेटा से, जो आपने लास्ट 25 किलोमीटर गाड़ी को चलाए होंगे उसके ऊपर। 1 लीटर के नीचे पेट्रोल होने से DTE नहीं दिखाता है। IFE, AFE, DTE, ये जितने रीडिंग्स है सब आपके गाड़ी चलाने के ऊपर है। रोड कंडीशंस को भी देखते हुए ये रिजल्ट्स बताते हैं, तो इनको पूरा एक्यूरेट मत समझना, बहुत हद तक एक ठीक ठाक आंसर दे देता है जिससे आप आगे का प्लान कर सकते हो। सर्विस रिमाइंडर या रेंज सिंबल तब दिखता है जब गाड़ी सर्विस करवाने का टाइम आए। और ये फर्स्ट सर्विस 450 किलोमीटर, सेकेंड सर्विस 4450 किलोमीटर, थर्ड सर्विस 9450 किलोमीटर, फोर्थ सर्विस 14450 किलोमीटर, फिर इसके बाद से हर एक 5000 किलोमीटर ऐड होते हुए दिखाते रहेगा। सर्विस रिमाइंडर को कैसे हटाना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अब आते हैं नीचे के 2 बटन्स पर। मोड बटन से आप ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू MT और क्लॉक सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। सेट बटन से ओडो से IFE, ट्रिप 1 से AFE 1, ट्रिप 2 से AFE 2, डिस्टेंस टू MT से नेक्स्ट सर्विस और क्लॉक सेटिंग पर जा सकते हो। तो अब आपको बटन्स को यूज करना दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लॉक को चेंज करना देखते हैं। मोड बटन और सेट बटन दोनों को एक संग 3 सेकेंड के लिए दबाना पड़ेगा, तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट होगा। मोड बटन से आप नंबर चेंज कर सकते हो और सेट बटन से आप आवर टू मिनट, मिनट टू AM PM में स्विच कर सकते हो। जब टाइम सेट हो जाए फिर से आपको 3 सेकेंड के लिए दोनों बटन को दबाना पड़ेगा ताकि ये टाइम पूरा सेव हो जाए। ट्रिप 1, ट्रिप 2 को कैसे रिसेट करते हैं ये बहुत सिंपल है। आगे मोड बटन से आप ट्रिप 1 या ट्रिप 2 सिलेक्ट कर लो, फिर रिसेट करने के लिए सेट बटन को 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखो, ये रिसेट हो जाएगा। ट्रिप 1 के संग AFE 1 रिसेट होता है, वैसे ही ट्रिप 2 के संग AFE 2। सो गाइस, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि मैं आगे भी ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं। और बस और कुछ नहीं बोलना है,
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।